सो गाइज, हमारी फाइनल पैकिंग हो चुकी है। बस हमें ब्रीफकेस बंद करके लेके जाना है। इसमें हमने मेडिसिंस रखी है, इसमें मास्क रखे हैं, इसमें स्नैक्स का सामान है, ये वीडियो मेकिंग किट है जो मैंने कल मंगाया था अमेजोन से, इसका मैंने वीडियो बनाया है जो आपको आगे दिखेगा। ये मेकअप है, ये मेकअप है और कुछ कैप्स रखी है और पूरा सामान अभी पैक हो चुका है। हमारी एक ब्रीफकेस, दो ब्रीफकेस और उधर एक तीसरी ब्रीफकेस रखी हुई है। सो बस अब निकलने की तैयारी है, तो चलिए आप मेरे साथ में। और हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं मैं आपको बताती हूँ आगे। सो देखते हैं क्या है इसके अंदर अभी। क्या नाम है इसका, पूरा क्या नाम दिखा रहा है? वीडियो मेकिंग किट है एक्चुअली ये। सो इसमें दिया है एक कैमरा रिमोट, ये वाला है। ये माइक दिया हुआ है, ये एलईडी लाइट है जो साथ में असेंबल होगा। ये इसका स्टैंड है जिसमें कैमरा और मोबाइल फिक्स हो सकता है। ये ट्राइपॉड भी बनेगा और ये बहुत हैंडी है, हम लोग कहीं पे भी ले जा सकते हैं इसको। और ये शायद से इसका चार्जर है, केबल, चार्जर केबल है। तो देखते हैं असेंबल करके अभी। सो गाइज, हमने ये सेटअप कर लिया है इसका। और एक्चुअली ये जो केबल मिला है ये एंड्रॉयड फोन के लिए है। सो हमारे पास आईफोन है तो उसके लिए हमने एक्स्ट्रा केबल लगवाया है, ये वाला जो मिलता है, जिससे हम आईफोन के लिए यहाँ पे कनेक्ट करते जो आईफोन का रहता है, और फिर ये नॉर्मल रहता है जो सभी एंड्रॉयड फ़ोन के लिए होता है। तो ये हमने एक्स्ट्रा केबल लगवाया है। बस अभी ब्लूटूथ से हमने इसको पेयर इट कर लिया है। ये इसका रिमोट है, इससे हमने पेयर कर लिया है और बस यहाँ से ही हमारा अभी कैमरा ऑन ऑफ चालू हो जाएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज है 25th of December 2022। जल्दी ही 2023 आने वाला है, नया साल आने वाला है और हम साल के आखिर में वैकेशन करने निकले हैं। हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद, नागपुर टू हैदराबाद। हम ऑन रोड जर्नी कर रहे हैं बाइक कार, और हम लोग हैदराबाद में 4 दिन रुकने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग जाने वाले हैं तिरुपति। हैदराबाद से हमारी फ़्लाइट है तिरुपति के लिए जो 28th of December को रहेंगी, और हम 38th of December को वापस आएंगे फिर से तिरुपति टू हैदराबाद, और हैदराबाद से फिर हम लोग वापस आएंगे नागपुर। तो इस तरह से हमारा जर्नी है। तो गाइज, हम लोग अभी रुके हैं नाश्ता करने के लिए। तो ये होटल अशोका है। हमें तो लगी तो गाइस, हमने हमारे लिए डोसा मंगाया है और पायोजा का तो बिल्कुल भी मन नहीं है खाने का, लेकिन खाना पड़ेगा, लंबा रास्ता है, खाते हैं अभी। जबरदस्ती मेरे को इडली खिलवाई जा रही है जबकि मुझे खाना गाइस, यहाँ पे एक्टर्स लोगों की फ़ोटोज़ लगी थी, इसमें मराठी एक्टर्स भी शामिल थे।
बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे एक्चुअली, तो मैंने यहाँ के मैनेजर को पूछा कि ये यहाँ पर आके विजिट कर चुके हैं क्या, तो सुनिए उनका जवाब। जितनी भी फोटोज लगी है ये वाली, तो ये लोग यहाँ पे आए हैं क्या? हाँ, ये आके गए हैं। ये आके गए? आके गए। कितने सालों से आपका रेस्टोरेंट है? ये 1971 से। 1971? अच्छा, मतलब 1971 से। हाँ, इसकी ओपनिंग शारदा होटल से हुई थी। शारदा होटल। अच्छा, सुबह कितने बजे से स्टार्ट हो जाता है? ये सुबह 5:30 बजे से रात को 12:30 बजे। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब ये बीच का पॉइंट है? हाँ, बीच का पूरा। यहाँ से हैदराबाद रोड, चंद्रपुर रोड, उमरेड रोड और नागपुर रोड, चारों रोड है। चारों रोड। नाश्ता तो बहुत बढ़िया है सर, मुझे लगता है। सो गाइस, अभी नाश्ता हो चुका है हमारा और अभी हम लोग आगे निकल रहे हैं। आगे क्या क्या होता है आपको दिखाते हैं। सो गाइस, अभी मैंने पायोजा को डांटा है क्योंकि पेपर नहीं मिल रहा था और पायोजा ढूंढ रही थी पेपर। लोग इधर पीछे टेंशन में आ जाते हैं पेपर किधर करके। अभी बोल रही थी कि गाड़ी साइड में रुका दे, देखा पेपर किधर, मैं देखो ढूंढ के लेती पेपर करके, पता है? और कहाँ मिला पेपर? अभी साइड में मम्मी के पास पेपर मिला। इतना टेंशन दे देती है ना मम्मी मेरे को कसम से। बायोजा का मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये मम्मी का, मम्मी भूल गई पेपर किधर करके। ठीक है, मेरा मैनेजमेंट की बात नहीं, मम्मी की क्या मेमोरी की बात है। क्या हुआ अभी तेरे साथ में? मैं सो क्यूट है। नहीं, झूठी। चलो, पायोजा ने वॉमिटिंग की अभी। है ना पायोजा? एक बोतल तेरे पायोजा छोटी वाली। आपने देखा? मैंने व्लॉग नहीं किया। आपने देखा गाइस, मैंने वॉमिटिंग। हाँ, झूठ बोल रही है गाइस, इसने अभी वॉमिटिंग की है। सो गाइस, हैदराबाद यहाँ से सिर्फ 30 किलोमीटर्स लॉन्ग है अभी, और अभी शशांक गाड़ी में डीजल डलवा रहे हैं। बस अभी हम लोग हैदराबाद एंटर करने ही वाले हैं, तो आपको दिखाते हैं हैदराबाद। जल्दी ही मिलती हूँ मैं आपको नए व्लॉग के साथ में। तब तक स्टे ट्यून विद मी, बाय।